स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप नवंबर 2019 में अपियर करने वाले हैं, नवंबर 2019 या फिर मई 2020, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है वो इफेक्टिव होगा नवंबर 2019 फ्रॉम ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा कि फ्रॉम नवंबर 2019 9 ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्लस 8 ऐसे गाइडेंस नोट थे जिसको सी इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूड कर दिया था सिलेबस से और कहा था कि ये गाइडेंस नोट, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो पेपर नंबर 6 में एप्लीकेबल नहीं होगा। परंतु अभी क्लैरिफिकेशन आया है 16 सितंबर 2019 के डेट में, अभी मैं उसे पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट है, चलिए देखते हैं उस अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ है। ये रहा आपका क्लैरिफिकेटरी अनाउंसमेंट फॉर सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन नवंबर 2019 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स, यानी आपके मई 2020 या नवंबर 2020 में भी अगर आप अपियर कर रहे हैं तो भी ये अनाउंसमेंट जो है आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में 8 ऐसे गाइडेंस नोट्स थे और 9 ऐसे इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम द सिलेबस थ्रू लिस्ट ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स। जो प्रोनाउंसमेंट सी इंस्टीट्यूट ने पिछले अनाउंसमेंट में किया था, वीडियो मैंने बना के अपलोड भी किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि 9 ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे उसको और प्लस 8 ऐसे गाइडेंस नोट थे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। बट यहाँ पे जो क्लैरिफाई कर रहा है सी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बता रहा है कि इट मे बी क्लैरिफाइड दैट इफ एनी कॉन्टेंट रिलेटिंग टू एवव स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स is included in the study module 1 and 2 itself, it is very much relevant. जी हाँ, ये underline कर लीजिए, it is very much relevant. That means अगर आपके study module 1 and 2 में कहीं भी reference है ये जो exclude किया गया है guidance note उसका या फिर standards on auditing का, अगर कहीं भी reference मिलता है उस study module में तो वो वेरी मच रिलेवेंट हो जाएगा आपके नवंबर 2019 एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। अकॉर्डिंगली ऑल्दो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, येट इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेयर एवर डिस्कशन रिलेटिंग टू द एबव इज गिवन इन द डिफरेंट चैप्टर्स, अगर किसी भी चैप्टर्स में इसका रेफरेंस दिया जाता है उस गाइडेंस नोट का या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ऑफ द स्टडी मॉड्यूल 1 एंड 2, द सेम वुड कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट, राइट। और ये आपके एक्सक्लूडेड जो गाइडेंस नोट थे और जो एक्सक्लूडेड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे, ये आप लिस्ट यहां पे देख सकते हैं, सी इंस्टीट्यूट उसको फिर से पब्लिश कर दिया है। ये जो 9 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 260, 265, 330, 402, 450, 540, 600, 620 और 720, ये 9 जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट अगर किसी चैप्टर में मॉड्यूल 1 और 2 में कहीं भी इसका रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो रिलेवेंट हो जाता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। और फॉलोइंग गाइडेंस नोट्स आर एक्सक्लूडेड, यानी स्पेशली ये जो 8 गाइडेंस नोट है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, बट अगर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में कहीं भी किसी भी चैप्टर में अगर इस गाइडेंस नोट का कहीं रेफरेंस मिलता है तो वो कंटेंट जो है वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है फॉर नवंबर 2019 या मई 2020 या फिर उसके बाद कोई भी एग्जाम में आप अपीयर करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, एक्सक्लूड होते हुए भी कहीं अगर किसी भी चैप्टर में आपको रेफरेंस मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, वो आपके एग्जाम पर्पस के लिए रिलेवेंट है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आपके रिलेटिव या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई बंदा नवंबर 2019 में अपियर करने वाला है, सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में अपियर करने वाला है, तो उसे इसकी जानकारी जरूर से जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट था तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का अपडेट जो है आपको मिलता रहे। जीएसटी लॉ, कॉरपोरेट लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट्स आता है तो वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।